की जब बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है उस दिन जनता रोड जाम करेगी यहाँ पर खुटी में। जिस दिन मरेगी इंसान उस दिन जागेगी प्रशासन। चाहिए आए दिन एसपी साहब गुजर रहे हैं, आए दिन डीसी साहब गुजर रहे हैं, आए दिन सिविल यहाँ का आपका नगर पंचायत के अधिकारी गुजर रहे हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर का जो मालिक होता है अनुमंडल पदाधिकारी वो भी इस रास्ते से गुजर रहा है। प्रतिनिधि यहाँ पर ध्यान दे रहा है ना, तो संसद ध्यान दे रहा है ना, विधायक दे रहा है। वही जनता आपको चुना है किस लिए? जान माल के हानि करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जार न्यूज और मैं हूँ गुंजन कुमार। देखें हम अभी खूंटी सदर हॉस्पिटल का जो पुराना बिल्डिंग है, मैं इसके बाहर खड़ा हूँ। हालांकि पुराना बिल्डिंग भी कहेंगे और सदर अस्पताल का वर्तमान भी कुछ सेवाएं यहीं भी है, क्योंकि सदर हॉस्पिटल जो है अब दूसरे जगह शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कुछ विभाग जो अभी यहीं है। तो चलिए, हम मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जो है इसके बाहर खड़े हैं तो हम आपको कुछ और दिखाना चाह रहे थे कि आप देख पा रहे होंगे कि सदर हॉस्पिटल के ठीक सामने ये दो पेड़ है, एक उस तरफ और एक इस तरफ, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है, पेड़ मर चुका है। और जब ये सूख चुका है, पेड़ बिल्कुल जो है मर गया है, तब क्या है कि इससे जो टहनी और इसका जो पेड़ बिल्कुल ही सड़ रहा है मर के, वो टूट टूट कर सड़क पर गिरता है। और खूंटी चाईबासा मुख्य सड़क है और जो है इस सड़क पर काफ़ी संख्या में यातायात यानी वाहनों का आना जाना होता है। इसके अलावा जिला प्रशासन के लोग भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ से 200 से 300 मीटर आगे जो है समाहरणालय है, यानी आप डीसी ऑफिस कह सकते हैं, डीसी ऑफिस है, उसके बाद ब्लॉक परिसर है, इसके आगे फिर जो है 10 किलोमीटर चल के वहाँ मुड़ू प्रखंड है। तो जिला प्रशासन के तमाम लोग जो है इधर से ही आते जाते हैं। वो तो खैर छोड़िए, जहाँ हम खड़े हैं ये परिषदन भवन का जो है दरवाज़ा इस तरफ है पीछे, और वहीं सदर हॉस्पिटल और सदर ये परिषदन भवन के ठीक जो है हम सामने खड़े हैं, दोनों के सामने कह सकते हैं। और यहीं इसी परिषदन भवन में राज्य से जो है मंत्री भी आते तो यहीं, बड़े नेता आते हैं तो यहीं, और कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी होता है जो है सब यहीं आते हैं और यहाँ रुकते हैं, यहीं से निकल के फिर अपने जगह अपने घर या फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। लेकिन उन लोगों में से कोई भी किसी का भी इस पर ध्यान नहीं जाता है। जितने भी लोग आते जाते हैं मंत्री से लेकर जिला प्रशासन यानी प्रशासनिक अधिकारी लोग, उनमें से किसी का भी इस पर ध्यान नहीं जाता है कि अगर ये पेड़ अचानक से गिर जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए, खैर हम एक स्थानीय जनप्रतिनिधि योगेश वर्मा जी से बातचीत करते हैं, इस विषय पर जानने का कोशिश करते हैं कि इन पर जनप्रतिनिधियों का क्या क्या है, नज़र है कि नहीं है, या फिर आप जिला प्रशासन को अब तक अवगत कराएं कि नहीं। आइए। बिल्कुल आपने सही बोला है। देखिए, जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ सर्किट हाउस है। आए दिन सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं और रुकते हैं। आईसी वीआईपी सड़क है, वीआईपी मेन रोड है, समझिए खूंटी चाईबासा रोड। यहाँ सदर हॉस्पिटल के सामने दो सूखा हुआ पेड़ है जो आपने अभी दिखलाया, वो बात बिल्कुल सही है, कभी भी जानलेवा हो सकता है। जनहित के मद्देनजर इस सब मुद्दा को आदमी को ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आए दिन एसपी साहब गुजर रहे हैं, आए दिन डीसी साहब गुजर रहे हैं, आए दिन सिविल यहाँ का आपका नगर पंचायत के अधिकारी गुजर रहे हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर का जो मालिक होता है अनुमंडल पदाधिकारी वो भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। डीएसपी साहब से लेकर जितने भी मंत्री स्तर के लोग हैं, मंत्री लोग हैं झारखंड सरकार के, आए दिन यहाँ पर आते जाते रहते हैं, मगर किसी ने भी। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ का संसद प्रतिनिधि, संसद जो है वो विधायक है, जन प्रतिनिधि है, उन वो भी इसी रास्ते से गुजर रहे आ रहे जा रहे, मगर उनको भी कभी ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। इसे वन विभाग की लापरवाही समझिए, जिला प्रशासन की लापरवाही है। हम तो कह रहे हैं किसी दिन बड़ी हादसा होने की संभावना है यहाँ पर, इसलिए कि सूखा हुआ पेड़ है आदम जमाना से, ये ब्रिटिश सरकार का जमाने का पेड़ है, सूख के बिल्कुल टूट रहा है, डाल टूटते जा रहा है, वीआईपी सड़क है, कभी किसी के माथा में गिरा तो फट फट जाएगा। जिस दिन मरेगी इंसान उस दिन जागेगी प्रशासन। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अविलंब इस पेड़ को कटवाने का काम करना चाहिए, जिला प्रशासन को आंख में आंख बांध के नहीं रहना चाहिए। देखिए, ये जनहित का मामला है, ऐसे ऐसे मुद्दों को तो जिला प्रशासन को अपने देखना चाहिए और करनी चाहिए। वन विभाग की पूरी लापरवाही हम मानते हैं। तो अभी जो है टूट टूट कर गिरता भी है इसका डाली, नहीं आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आप इस पे देखे भी होंगे इसे। नहीं, बिल्कुल बात सही है, हम लोग बराबर देख रहे हैं, इसका हम लोगों ने मांग भी किया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा भी कई पेड़ हमको लगता है कि जी यहाँ देखिए, यहाँ तो है, उसके बाद देखिए कचहरी के पास में है सूखा हुआ पेड़, आपका पूरा शहर, उस शहरी क्षेत्र में चार पांच पेड़ सूखा हुआ है,
लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना तो जनप्रतिनिधि यहाँ पर ध्यान दे रहा है, ना तो संसद ध्यान दे रहा है, ना विधायक दे रहा है। भाई जनता आपको चुना है किस लिए? जान माल के हानि करने के लिए। जनता आपको चुना है क्यों? कि हमारा सुरक्षा दें, सुरक्षा करें। तो ये जानलेवा पेड़ सूख सूख के गिर रहा है, डाल कभी भी गिरेगा, आदमी का मृत्यु निश्चित है। और जिस दिन मरेगा उस दिन रोड जाम होगा, आपको बता रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं अभी। जिस दिन अगर टूट के मरा किसी पब्लिक का माथा में लगा तो मर नहीं है, इतना विशाल पेड़ है, आए दिन टूट टूट के यहाँ पर गिरता रहता है। इसलिए मैं निश्चित आपको कह रहा हूँ कि ना कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, उस दिन जनता रोड जाम करेगी यहाँ पर खुटी में। तो ये थे स्थानीय जनप्रतिनिधि योगेश जी, इन्होंने बताया कि ये जो है ब्रिटिश जमाने का पेड़ है जो सूख चुका है, मर चुका है बिल्कुल, और टूट टूट कर गिर भी रहा है। अगर हादसा हुआ तो रोड भी ब्लॉक होने का चांस रहेगा।